प्रवीण जगज्जय धर्मव्रति कर्मपथि रश्मि रथि महारथि ओ महारथि कर्ण दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि अर्जुन कहता है कि जब तक वो कर्ण को पराजित नहीं करेगा वो श्रेष्ठ योद्धा नहीं हो सकता। रंगभूमि में पांडव और कौरव राजकुमार द्रोण एवं कृपाचार्य के साथ आते हैं। रंगभूमि में दुर्योधन एवं भीम का गदा युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल जाता है। अश्वत्थामा दोनों को अलग करता है। क्रोधित भीम दुशासन को पराजित कर देता है। अर्जुन अपने धनुर्कौशल का प्रदर्शन करता है। अब आगे पितामह अर्जुन की सफलता के पीछे आप श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद। नहीं नहीं केशव, सफलता का श्रेय पुत्र वधू कुंती को है। राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की धनुर्विद्या का चमत्कारी प्रदर्शन करके प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया है। स्वयं आप लोगों ने उसके प्रदर्शन को देखा। रंग भूमि में उपस्थित सभी लोगों को आज के प्रदर्शन का साक्षी मानते हुए मैं अपना निर्णय सुनाता हूं। अर्जुन आज के प्रदर्शन का नारी आचार्य द्रोण आचार्य द्रोण, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने के पूर्व मुझे अपने धनुर्कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाए। हस्तिनापुर के राजकुमारों की प्रतियोगिता में तुम किसके आमंत्रण पर आए हो? सारथी अधिरथ पुत्र, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस रंगभूमि में कर्ण को मैंने आमंत्रित किया है आचार्य। राजकुमार दुर्योधन, ये जानते हुए भी कि रंग भूमि में मात्र राजकुमारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करना है, फिर भी तुमने सारथी अधिरथ पुत्र को निमंत्रित किया। आचार्य, अधिरथ पुत्र के धनुर्कौशल से हस्तिनापुर को क्या क्षति होगी? यह भी तो हस्तिनापुर का नागरिक है। मित्र, तुम अपने धनुर्कौशल का प्रदर्शन करो। जाओ मित्र। Thank you.
वाह मित्र वाह। सुंदर अति सुंदर मित्र सुंदर कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की। कुंती, क्या सचमुच अधिरथ पुत्र कर्ण ने अर्जुन के बराबर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया? हाँ कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की कर्ण की कुंती पुत्र अर्जुन, तो मुझे पराजित किए बिना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो सकते। आज इस रंगभूमि में मैं तुम्हें प्रतियोगिता के लिए ललकारता हूं। चाहे धनुर्कौशल हो या गदा युद्ध अथवा मल्ल युद्ध, तुम जिस प्रकार से भी चाहो मुझसे प्रतियोगिता कर सकते हो। करण, तुम धनुर्धर हो, अच्छा यही होगा कि हम धनुर्कौशल में प्रतियोगिता करें। तो चलो, चढ़ाओ अपने धनुष पर बाण और खींचो अपनी प्रत्यंचा को और दो मेरे बाणों का उत्तर। तुमसे प्रतियोगिता करने से पहले मैं सारथी अधिरथ पुत्र कर्ण से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। तुम्हें भली बात ही ज्ञात है कर्ण की अर्जुन भरत वंश के राजकुमार हैं, पांडु के पुत्र और शांतनु के प्रपौत्र हैं। प्रतियोगिता करने से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजकुल के हो, किस राज्य के राजपुत्र हो। आचार्य, प्रतियोगिता में वीरों से उनका राजकुल वंश और गोत्र नहीं पूछा जाता, उनकी ललकार का उत्तर दिया जाता है, वो भी उचित उत्तर। आप अर्जुन को अनुमति दे अनुमति कि वो कर्ण के साथ प्रतियोगिता करे। राजकुमार दुर्योधन, एक राजकुमार ही एक राजकुमार से प्रतियोगिता कर सकता है, सो पुत्र नहीं। कुंती, प्रतियोगिता में जाति और गोत्र का प्रश्न क्यों कर रहे हैं कृपाचार्य? कर्ण एक होनहार युवक है, उसका इस तरह से अपमान करना उचित नहीं है। दीदी, कृपाचार्य तो भरत वंश की परंपरा का पालन कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो बहन, अब हमारा अर्जुन हर किसी से प्रतियोगिता तो नहीं करेगा ना। आचार्य, जो जाति का प्रश्न खड़ा करते हैं निश्चय ही उनके पास शौर्य नहीं होता, वीरता नहीं होती। मैं क्या जानू जाति क्या और गोत्र क्या? मेरी जाति और मेरा वंश मेरी ये भुजाएं हैं, मेरा ये धनुष है, मेरे ये बाण। मैं सूत पुत्र हूं और मुझे इस बात का गर्व है। यदि यहां पर बैठे राजपुत्रों में पौरुष है तो मेरी चुनौती को स्वीकार कर। यदि तुम्हें अर्जुन से प्रतियोगिता करनी है तो पहले किसी राज्य का राजा बनना पड़ेगा। जाओ, रंगभूमि में अपना समय व्यर्थ ही नष्ट ना करो, पहले किसी राज्य पर विजय प्राप्त करो।
यही उचित समय है पासा फेंकने का। बना दो कर्ण को अंगदेश का राजा। क्षमा आचार्य, क्षमा। आप सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण का इस प्रकार अपमान नहीं कर सकते। यदि राजा होने मात्र से कर्ण अर्जुन के साथ प्रतियोगिता कर सकता है तो मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कर्ण को। अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। हस्तिनापुर के राज पुरोहित धूम में आप कर्ण का राज तिलक करें। कर्ण महारथी के जीवन में कैसा मोड़ समय ले आया। शकुनी से पाकर एक पासा दुर्योधन ने दांव चलाया। सच क्या है बस कृष्ण ने जाना। सच क्या है बस कृष्ण ने जाना। माता ने झूठा सुख पाया। कर्ण को राज मुकुट पहना कर बंधु को बंधु का शत्रु बनाया। भोला कर्ण यूं जाल में फंस के दुर्योधन के हाथ बिकाया। विदुर जी महाराज, पुत्र दुर्योधन का निर्णय उचित तो है ना? जी महाराज, राजकुमार दुर्योधन अपने अधिकारों का भली भांति प्रयोग कर रहे हैं। आज से तुम केवल कर्ण नहीं हो मित्र, तुम अंगदेश के राजा अंगराज कर्ण हो। बोलो अंगराज कर्ण के, अंगराज कर्ण के, अंगराज कर्ण के, अंगराज कर्ण के, अंगराज कर्ण के। मित्र, आज भारी सभा में जो सम्मान आपने सूत पुत्र को दिया है उसे उपकार मानते हुए मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आपकी ये कृपा मुझ पर ऋण है। यदि भगवान सूर्य की मुझ पर कृपा रही तो एक ना एक दिन आपका ये ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। आज से आप मेरे अभिन्न मित्र हुए। मेरे जीवन पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही आपका भी है। मित्र, अब तो अंगराज कर्ण अर्जुन के साथ प्रतियोगिता करने के अधिकारी है ना? राजकुमार दुर्योधन, जैसे दान में पाए हुए गोत्र वंश और धर्म का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही दान में पाए हुए राज्य से कोई व्यक्ति राजपुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं होता। सारथी अधिरथ पुत्र कर्ण अंग देश का राज प्राप्त करके भी सूत पुत्र ही रहेंगे, राजपुत्र नहीं। तुम उन्हें दान में राज्य दे सकते हो राज्य, परंतु किसी राजवंश का राजकुमार नहीं बना सकते। वे आपकी भांति गांधारी नंदन या कुंती पुत्र नहीं हो सकते।
पितामह, आप इस सभा में सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे पुज्य हैं। आप कृपाचार्य को निर्देश दें कि अंगराज कर्ण को अर्जुन के साथ प्रतियोगिता करने की अनुमति दें। राजकुमार दुर्योधन, ये रंगभूमि है, हस्तिनापुर की राजसभा नहीं। यहां के समस्त निर्णयों का अधिकार कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को है। गुरुदेव बलराम, क्या आप कर्ण के साथ हो रहे इस अपमान से सहमत हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि कर्ण को इस प्रतियोगिता से बाहर रखा जाए? नहीं दुर्योधन, रंगभूमि की इस प्रतियोगिता में निर्णय लेने का अधिकार केवल द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी के पास है, और तुम्हें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी कर्ण ने अपने शौर्य का प्रदर्शन तो कर ही दिया। दाऊ का कथन सत्य है, कर्ण का अद्भुत शौर्य तो सभा देख चुकी है, परंतु रंगभूमि के नियम कर्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक रहे हैं। कितनी अच्छी होती है प्रतियोगिता यदि इसमें कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को परास्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने पुत्रों का अद्भुत पराक्रम देखकर धन्य हो जाती है सभा और इन वीरों की मां। अब क्या बाधा है विदुर? अब तो कर्ण का राजतिलक भी हो गया। कृपाचार्य ने क्या निर्णय लिया विदुर? सारथी अधिरथ पुत्र कर्ण, हस्तिनापुर के नागरिकों ने तुम्हारा धनुर्कौशल देख लिया है, अब कृपया आप रंगभूमि से प्रस्थान करें। कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास, कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। महामना महाबली धनुर्प्रवीण जगत जयी, धर्मव्रती कर्मपति रश्मिरथी महारथी। ओ, 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 ओ महारथी कर्ण, एक बाहु स्वावलंब दूजा स्वाभिमान है, दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है। महारथी कर्ण तो महानों से महान है, महारथी कर्ण तो महानों से महान है। महारथी 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 कर्ण, महारथी महारथी, महारथी।